पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून में बन रही एक नई विधानसभा भवन निर्माण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देहरादून में प्रस्तावित नई विधानसभा भवन को बनाए जाने के विरोध में कांग्रेसी गैरसैंण में धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद टमटा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यवासियों को एक अस्थायी राजधानी तो नहीं दे सकी, लेकिन अब भाजपा सरकार नए विधानसभा भवन बनाने से स्थायी राजधानी के मुद्दे को भटकाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। विधानसभा में इस प्रश्न को हल करने के लिए नहीं जा रहे हैं आप, बलात् हमारे ऊपर एक देहरादून को उत्तराखंड पर थोप देना चाहते हैं कि हमने विधानसभा भवन बना दिया, हमने सचिवालय बना दिया, अब हम कोई इसके अलावा देहरादून के अलावा कोई बिल्कुल नहीं है। और ये उत्तराखंड राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। ये उत्तराखंड राज्य की वो जो सिद्धांत है, जो जनसंघर्ष का सिद्धांत है, उसकी भावनाओं के विपरीत।